तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे गर्मी में थोड़ी राहत मिल सके। मतलब आज हम बनाने वाले हैं अपने घर में एक छोटा सा स्विमिंग पूल, और ये स्विमिंग पूल हम बनाएंगे सिर्फ 200 रुपए में। लेकिन इसके लिए कुछ सामान हमें घर से भी लेना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने स्टोर रूम में कि इसमें क्या क्या मिल सकता है। आज तो सबसे पहले ना मुझे बक्सा दिखा, तो सोचा क्यों ना इस बक्से से कुछ कर लिया जाए। लेकिन इस बक्से को ना कमरे से बाहर ले जाने में बहुत सारा सामान हटाना पड़ेगा, और इतना सारा सामान वापस लगाने में हालत खराब हो जाएगी। तो मुझे दूसरी चीज दिखी है, वो है ये बेड। बेड ना बॉक्स वाला बेड है, तो क्यों ना इसी बेड को बाहर ले जाकर इसमें कुछ किया जाए। लेकिन इसके लिए कुछ सामान चाहिएगा, वो भी हम देख लेंगे। तो देख लो, जैसे गंद में हम रहते हैं, इस गंद में से सारा सामान हटाना पड़ेगा। बाद में इसे बाहर ले जाके करते हैं कुछ, आपको दिखाएंगे। बहुत सारी मेहनत करने के बाद ये बैग खाली तो हो गया है, लेकिन इसे खाली करने के बाद पता चला है इसमें डंडा लगा रह गया है। तो जो भी करना है इसे ऐसे रहते हुए करना पड़ेगा। तो बेड हमारा निकल चुका है, और इसमें हमें लगाने थे सिर्फ 200 रुपए, और 200 रुपए में हमें मिला है ये। अब इसे इसमें बिछा के बस पानी भरना, और देखेंगे कैसा हमारा स्विमिंग पूल बनेगा। तो इसमें हमने तिरपाल तो बिछा दी है, अब इसमें रह गया पानी भरने का, और बाद में इसमें हम लोइट लगाने वाले हैं। तब इसमें भरने लगे हैं पानी, इस स्पीड से भर जाएगा इसमें सारा। फिलहाल तो गरम गरम पानी आ रहा है गर्मी का, और इस स्विमिंग पूल बनेगा इससे। उससे पहले थोड़ा ठंडा पानी डाल देते हैं। एक घंटे में लो भाई, बाल्टी से पानी भरा जाए। अभी तक तो कुछ जरा से पानी भरा गया, कितना सारा आ जाएगा। ये ठंडा पानी जो मैंने थोड़ा थोड़ा बनाया था इसके लिए, कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं इससे वैसे, पर फिर भी कर तो सकती है। अभी इसमें कितना टाइम लगे, पर जितना भी लगे आज ये बन के ही रहेगा। तो गाइस अब इसमें ना लगभग आधे से ज्यादा पानी भर चुका है। ज्यादा भरने की सोच ही नहीं, क्योंकि बैग इतना मजबूत नहीं है, टूट जाएगा। तो अभी देखते हैं इसमें जाने के बाद कितना लग रहा है, कैसा लग रहा है। एकदम ठंडा ठंडा पानी लग रहा है, समर का चला हुआ। बहुत ज्यादा अंदर को नहीं जा पा रहे, पर हाँ अच्छा लग रहा है। गर्मी के मौसम में ऐसा होना चाहिए कि पानी जैसा कुछ तो हो जिसमें तुम रह के मजे कर रहे हो। अच्छी बात यह है पास में फ्रिज है, यहाँ से तुम कुछ भी लेके पी सकते हो। लेट के देखा कितना फुल लेंथ आ रहा है, और लग रहा था कि इतना बड़ी चीज है तो शायद ये पूरा हो नहीं पाएगा, पर ठीक है यार, अच्छा लग रहा है। पानी में रहने के लिए तो बहुत ही सही है, हर दोपहर में यही लगना, तो और मजे ही मजे। इसमें इसमें कितनी देर मुंह रख के रह सके तू पानी में, देखो जरा कितना बचेगा। 10 रुपए अगर मेरे पे 1000 रुपए, तेरे से टेढ़े मुंह बात कर रहा होता मैं, समझ रहा है। हाथ में एक चले दे रहा, जो लकी है मुझे से ज्यादा इसमें पानी में मुंह रख के रखेगा। अपने लापरवाही का नतीजा है। 2 सेकंड, 2 से 3 सेकंड अभी नहीं आ रही, नहीं बन जा रही है। लोग इसमें पानी, इसमें तो तुम तैयारी लोगे। तो गाइस ये तो हमारा 200 रुपए का स्विमिंग पूल। अगर आपको चाहिए 10,000 लीटर का स्विमिंग पूल जो करीब 6,500 रुपए का आएगा, और एक प्रोफेशनल गेम्स चाहिए, तो इस वीडियो पे कम से कम 1,000 लाइक जरूर कर देना। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।